जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इसे सुनकर चौंकिएगा नहीं। जी हां, हम कोई गलत पढ़ने नहीं जा रहे हैं। दरअसल सांप को एक युवक ने काट लिया। नहीं सुना तो फिर से सुनिए। पहले सांप ने युवक को काटा, उसके बाद युवक ने सांप को काट लिया और सांप की मौत हो गई। चौंक गए ना? नहीं चौंकिए, अब आपको पूरा मामला बताते हैं। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवक ने सांप को काट लिया जिससे सांप की ही मौत हो गई। अक्सर हमने सुना था कि सांप काटने से किसी शख्स की मौत होती है, लेकिन रजौली थाना क्षेत्र में मामला अलग निकला। यहां सांप पर गुस्साए युवक ने सांप को काट लिया और सांप की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रजौली थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान मंगलवार देर रात सभी मजदूर अपने बेस कैंप में सो रहे थे। इस दौरान सांप ने एक युवक को काट लिया, जिसके बाद गुस्साए युवक ने एक लोहे के सरिये की मदद से सांप को पकड़ लिया और 3-4 बार सांप को काट लिया, जिससे सांप की मौत हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को लगी, तुरंत उक्त युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उक्त युवक की पहचान झारखंड के लातेहार जिले के पांडुका निवासी संतोष लोहार के रूप में की गई है। जब संतोष से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने देखिए किस तरीके से जवाब दिया। संतोष घर पांडुका लातेहार जिला। क्या हुआ? सांप काटा। कहाँ? रास्ता में। तो तुम क्या किया सांप के साथ? सांप को मैंने एक्सरे ला के हल्का सा उसको मारे नहीं तो? मैंने उसको मुंडी को हल्का दबाए और मैंने पोछी पकड़ के और मुंडी को पकड़े और उसको मैंने जोर जबरदस्ती नहीं किया। उसका सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से उसको आराम से पकड़े दोनों साइड से, उसके बाद काट दिया। उसके बाद तुम उसको काट? मैंने वो हमको काटा 2 बार, हम 3 बार काटे। वहीं जब इस अजीबोगरीब घटना की जानकारी मिली तो अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना था कि सांप विषधर नहीं होगा, अगर सांप विषधर होता तो युवक की जान भी जा सकती थी। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती संतोष लोहार का इलाज कर रहे चिकित्सक सतीश चंद्र ने बताया कि सांप काटने की शिकायत थी, जिसके बाद इलाज किया गया है, युवक खतरे से बाहर है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में बिहार तक आपसे अपील करता है कि ऐसी स्थिति में आप कभी भूल कर भी ये गलती ना करें। जब भी आपके आसपास ऐसी सूचना मिले कि सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाएं। सांप को काटना, लेकिन युवक द्वारा इस तरह की हरकत करना खतरे से खाली नहीं है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। नवादा से प्रतीक भान की रिपोर्ट, बिहार तक।